हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। चैनल का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं दोस्तों लाया हूं डालिया पर मेरा वीडियो, डालिया का केयर कैसे लेना है। ये पार्ट वन है और इसका पार्ट टू भी आगे आएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं नर्सरी से ये डालिया ले आया हूँ। छोटे छोटे प्लांट्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा मैच्योर प्लांट लाया हूँ। इनको 15 दिन हो गए होंगे और इनके लिए मैं पॉटिंग मिक्स रेडी किया हूँ। देखिए, सैंडी सॉइल, राइस का हल जो आता है, ये धान के जो छिलके हैं, देखिए इनको मैंने मिट्टी में मिला लिया है। इससे मेरे पॉटिंग मिक्स सॉफ्ट हो जाएगा और ये रूट ग्रोथ में मदद करेगा। और ये है वर्मी कंपोस्ट, देखिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये है थोड़े से गोबर खाद, ये देखिए, पूरा पुराना वाला लीजिएगा, नया वाला मत लीजिएगा। राइस के जो मिल होते हैं वहाँ से आप ये वाला ले आइए। इस पे ये धान का छिलका है, इसे यूज करने से होगा क्या, आपका जो पॉटिंग मीडिया है वो लाइट हो जाएगा और रूट ग्रोथ में मदद मिलेगा। और डालिया का जितना रूट ग्रोथ होगा प्लांट उतना हेल्थी होगा। सीजनल प्लांट में डालिया सबसे मेरा फेवरेट है, इसीलिए इनके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा रिजल्ट अच्छा आने के लिए। आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद एक ही ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास दो थे इसीलिए मैंने ऊपर के लेयर में गोबर की खाद थोड़ा ज़्यादा मिला दिए हैं। स्टार्टिंग ग्रोथ अगर अच्छा होगा डालिया का तो प्लांट बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्टेम और उनका ब्रांचेस मोटे मोटे हो जाएंगे। इसी तरह मैं लगा दूंगा इनको और हल्के हाथों से आप मिट्टी को प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए, ये पॉली बैग में थे छोटे छोटे और इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। और लाइट वाटरिंग कीजिएगा आप, ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। हल्के हल्के वाटरिंग करके इसे दो दिन के लिए आपको सन से बचाना है, शेडी एरिया पे इसको रखना है। आपके दिन में टेम्परेचर जब 28 डिग्री से नीचे रहता हो तभी इसके लिए अच्छा है, और अगर 32-34 उतना जा रहा है टेम्परेचर तो आपका डालिया ख़राब हो जाएगा। इसीलिए नवंबर फर्स्ट वीक में इसे लगाना ठीक रहता है। अगर आपके एरिया में ठंड ज़्यादा है तो पहले आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट ग्रोथ आ गए हैं इसके, देखिए बहुत हेल्थी लग रहे हैं प्लांट। देखिए इनमें दोस्तों आप क्या कीजिएगा, बोन मील जरूर डालिएगा। मेरे पास एक गार्डन मिक्सचर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें बोन मील, सरसों की खली और डीएपी सब मिला हुआ है। ये डालिया में देता हूँ मैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसका ग्रोथ और अच्छा हो जाएंगे। ये आपको नहीं मिले तो आप बोन मील और डीएपी दे सकते हैं। और इसका पिछले साल मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट भी मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको आगे। ये देखिए, ये और 10 दिन के बाद इसका रिजल्ट, कितना ज़बरदस्त ग्रोथ आ गया, देखिए बहुत हेल्थी और पत्तों का कलर भी चेंज हो गया है। देखिए, क्लाइमेट जितना कोल्ड होगा और ठंड पड़ेगा इसके लिए उतना बेहतर है। ये देखिए, कुछ कीड़े लग गए थे मेरे यहाँ और इनके लिए मैंने रोगर का इस्तेमाल किया, डाइमिथोएट। ये देखिए, स्क्रीन पे भी मैं इसका दे दिया हूँ, ये अच्छा काम किया।
इसके सारे कीड़े मर गए, और नहीं तो ये प्लांट को पूरा बर्बाद कर देते। इसमें और अच्छा ग्रोथ आने के लिए आप सरसों की खली, मस्टर्ड केक जो बोलते हैं, उसे यूज कीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे यूज करना है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा जो एग्री शॉप है या जो सीड्स के दुकान में, ये आपको मिल जाएगा। इसे आप ले आइए और इसको कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा। इसे आप कोई भी जगह पे बना सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा जार था प्लास्टिक का, वहाँ पे मैंने पानी ले लिया 2 लीटर करीब, और इसको मैं डाल दूंगा 200 ग्राम जितना। और इसको डालने के बाद आप 4 दिन तक रहने दीजिएगा, इससे एक बदबूदार सेंट आएगा, बहुत ही सड़ा हुआ सेंट आता है, तभी आप जान लीजिएगा ये देने लायक हो गया है। एटलीस्ट 4 दिन तक आप रखिएगा दोस्तों, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। ये देखिए 2 दिन के बाद मैं इसे एक डंडे के साथ मिला रहा हूँ, देखिए ये झाग जैसा निकल रहा है। ऐसा आप बार बार इसे डेली हिलाते रहिए, 4 दिन तक ऐसा करना है आपको। और उसके बाद इसमें से स्मेल आने लगा है, अभी ये यूज करने के लिए रेडी हो गया है। आप आधा बाल्टी पानी में इसे मिला लीजिए, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। इसको डालिया में डालने से ग्रोथ बहुत जबरदस्त आते हैं, और जब फ्लावर और बर्ड्स आने लगे तभी इसे भी दीजिएगा। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज तभी मत कीजिएगा। स्टार्टिंग स्टेज में केमिकल फर्टिलाइजर ठीक होता है, लेकिन जब प्लांट में बर्ड्स आने लगे, और ये देखिए ये और 10 दिन के बाद का है। प्लांट को आपको फुल सन लाइट में रखना है, जहाँ 6-7 घंटे डायरेक्ट सन मिल सके इसको, तभी आपके प्लांट में ग्रोथ आएंगे, नहीं तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये देखिए स्टेम भी कितना मोटा है और ब्रांचेस भी कितने बड़े बड़े। मैंने इनको पिंचिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे पिंचिंग करने से फ्लावर साइज छोटे हो जाते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन ऊपर का जो फ्लावर होता है बड़ा वाला, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डालिया को पिंचिंग नहीं करता हूँ। ये देखिए मेरे 2-3 प्लांट मैं बाद में लगाया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हुआ यहाँ पे और मेरे 2-3 प्लांट खराब हो गए। मैं फिर से इन्हें लाया और लगा दिया हूँ। इंडिया के कई स्टेट में तो ये प्लांट चल ही नहीं पाता है। इनका कलर मुझे पता नहीं, लेकिन आशा करता हूँ ये अलग अलग कलर में आए। ये वाला रेड या मैरून कलर में आएगा, और ये लाइट कलर में आएंगे। इनको पहचानना मुश्किल होता है जब ये छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए वैसे ही लाना पड़ता है इसको। ये अच्छा ग्रोथ किया है देखिए सेंटर वाला। इनको आप बार बार हर 10-12 दिन में जो मस्टर्ड केक का लिक्विड है उन्हें डालते रहिए, और कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा आपको। खाली स्टार्टिंग स्टेज में आपको DAP या बोन मील वो डालना होता है, और बाकी मैं बाद में कुछ भी नहीं डालता हूँ, इनसे ही मेरा काम हो जाता है। ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर जैसा काम करता है। और देखिए रिजल्ट भी देखिए मैं आपके सामने, कितना अच्छा ग्रोथ आया है देखिए। ये मेरा डालिया पर Part 1 का वीडियो है, इसका Part 2 मैं आगे बनाऊंगा और दिखाऊंगा इसमें कैसे फ्लावर आए मेरे, कौन से कलर के आए। और ये जो मस्टर्ड केक का लिक्विड है, इसे आप हर सीजनल
हर प्लांट में दीजिए, ये अमृत जैसा काम करता है। जल्द ही इसके पार्ट टू मैं बना रहा हूँ, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।